तो गाइस फाइनली ब्लड लाइन का मैच यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्या नया नया ट्विस्ट देखने को मिला। तो गाइस यहाँ पर रोमेज को बचाने आज यहाँ पर सेमी जेन का भी रिटर्न देखने को मिला ब्लड लाइन में। उसके बाद गाइस यहाँ पर सोलो सिको ने पूरी तरह से रोमेज और उनकी टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। तो आइए देखते आखिर क्या कुछ हुआ इस बार के क्राउन ज्वेल में। तो गाइस शो की शुरुआत होती है यहाँ पर रोमेज और जिमी ओसो सबसे पहला एंट्रेंस इनका ही देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी ओसो का अलग से एंट्रेंस देखने को मिलता है। हालांकि जी ओसो यहाँ पर ऑडियंस के बीच में से यहाँ पर बैक स्टेज की तरफ से आ रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम भी आ जाती है, यानी कि सोलो सिको की टीम भी आ जाती है एक तरफ से। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर रेफरी आ जाता है और बेल रिंग अनाउंस करवाता है। यहाँ पर सोलो सिको ओलाफ वाला को लेकर यहाँ पर काफी गर्व महसूस कर रहे थे, तब यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग से जी ओसो यहाँ पर फाइट करते हैं। वैसे यहाँ पर जी ओसो और जिमी ओसो यहाँ पर लगातार फाइट कर रहे थे, रोमेज को एक बार भी मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर रोमेज काफी गुस्सा होते हैं इनके ऊपर। और वहीं दूसरे साइड से यहाँ पर जैको फातू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। वैसे गाइस मानना पड़ेगा जैको फातू के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैको फातू वन बाय वन करके सबको डिस्ट्रॉय करते थे। फिर बारी आती है रोमेज की। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमेज भी यहाँ पर सोलो सिको के हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाते। फिर उसके बाद न्यू ब्लड लाइन टीम यानी कि सोलो सिको की टीम यहाँ पर फिर से एक बार विनर बन जाती है। तो गाइस टामा टोवा और टामा लोगा और यहाँ पर जैको फातू रोमेज को काफी पूरी तरह से पीट रहे होते, तभी वही एंट्रेंस देखने को मिलता है, रिटर्न देखने को मिलता है सेमी जेन का। सेमी जेन आकर यहाँ पर रिंग में खड़े हो जाते हैं, तभी उनसे यहाँ पर सोलो सिको कहते हैं कि भाई तुम आ जाओ हमारे साथ, तुमको हम यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कराएंगे और तुमको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। और गाइस यहाँ पर सोलो सिको और भी यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सेमी जेन को, पर सेमी जेन यहाँ पर ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। और तभी यहाँ पर सेमी जेन अटैक कर देते हैं सोलो सिको के ऊपर, तभी से यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। फिर एक बार फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन टीम चारों तरह से यहाँ पर सोलो सिको को घेर लेती है। उसके बाद यहाँ पर सोलो सिको एनी हाउ करके यहाँ पर निकल जाते हैं। गाइस यहाँ पर आज एक भी यहाँ पर रोमेज का सुपरमैन पंच सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जहाँ पर यहाँ पर मारने चल रहे थे सोलो सिको को, लगे यहाँ पर सेमी जेन को। और तभी वहाँ पर सेमी जेन रिंग छोड़कर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय ब्लड लाइन की कुछ दशा कुछ इस प्रकार की है। वैसे गाइस सेमी जेन एक बार फिर से यहाँ पर वापस आ चुके हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में वार गेम देखने को मिलेगा ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच।